नमस्कार जी, करंट रिपोर्ट चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, पंजाब सरकार का जो विभाग है, उनके मेंबर ग्यासुद्दीन अंसारी साहब के साथ। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, जो ये आपका विभाग है, कौन कौन से काम मजदूरों की भलाई के लिए क्या करता है? पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोर्ड का मेंबर मोहम्मद ग्यासुद्दीन अंसारी जी। पंजाब बोर्ड के अंदर जो प्रवासी मजदूर जो हैं, किसान मजदूर हैं, रिक्शा दहाड़ीदार मजदूर हैं, ऑटो वर्कर यूनियन हैं, कई यूनियनें हैं, कई संस्थाएं मजदूरों के लिए जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई है और चल रहा है, उनकी तरह तरह की समस्या अपने पास आते रहता है, अदर और कामरेडों के पास जाते रहता है। विभाग क्या क्या विभाग ने सुविधा ये दिया है कि अगर फैक्ट्री के अंदर पूरी जो दहाड़ी लगती है उनकी 8 घंटा की बजाय 12 घंटा काम लिया जाता है, जिनकी उनकी तनख्वाह जो है वो मजदूरों की मेहनत के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, पहला नंबर। दूसरा ये है कि जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के अंदर है, उसके आधार से कोई भी मांगे लेबर को नहीं मिल रही है। अगर उसके प्रति हम लोगों ने आवाज उठाया कई फैक्ट्रियों के प्रति, तो उसमें भ्रष्ट अफसर ऐसे आए हुए हैं लेबर डिपार्टमेंट में कि जो कि मालकों से मिलकर मजदूरों का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि आज दर दर ठोकरे खा रहे हैं मजदूर और कामरेड लोग बेचारे क्या करें, वो जाते हैं तारीख लेके आ जाते हैं, अफसर उनको गुमराह करके भेज देता है। पंजाब सरकार से मेरी ये मांग है कि अच्छे अफसर यहाँ लुधियाने गिल रोड पे भेजा जाए और मजदूरों के साथ अच्छा काम कराया जाए, ताकि मजदूरों को शांति मिले और सुकून के साथ वो बेचारे गुजर बसर कर सके। अंसारी साहब, आप सरकार का हिस्सा हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, वेलफेयर बोर्ड है, क्या इसमें भी कहीं जो अधिकारी हैं गलत तरीके से शोषण करते हैं? वेलफेयर बोर्ड के अंदर हमारा कोई आला अधिकारी ऐसा भ्रष्ट नहीं है, सब सही है। चंडीगढ़ से हमने कोई भी शिकायत अगर यहाँ से भेजा तो चंडीगढ़ से कार्रवाई के लिए आता है आदेश, लेकिन उस पर पहल नहीं हमारा हो रहा है लुधियाने के अंदर। लुधियाने के जो भी मजदूर हैं इस टाइम बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, और उस परेशानी को देखते हुए पंजाब सरकार से फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि वो इस पे गौर करें और जो भी मजदूरों की समस्या आ रहा है इस पे लेबर अफसर के ऊपर शिकंजा कसें, ताकि मजदूरों को भला हो। जय हिंद, जय भारत। दीन बहादुर जी, आप ये बताइए कि जो लेबर इंस्पेक्टर पहले फैक्ट्री में जाते थे, लेबर एक्ट था जो बहुत सारे फायदे मजदूरों को होते थे, उनका क्या हालात मौजूदा समय में है? मैं दीन बहादुर, लुधियाना इंटरमीडिएट बोर्ड से जनरल करती हूँ। जैसे भाई साहब ने मुझसे पूछा है लेबर इंस्पेक्टर के बारे में, मैं ये बताना चाहता हूँ, लेबर इंस्पेक्टर को पहले फैक्ट्री में उनको अलाउड था जाना, अब सरकार ने पाबंदी लगा दी है ये फैक्ट्री के अंदर प्रवेश नहीं हो सकते, और अपने पास नोटिस देकर मालिक को अपने पास बुलाते हैं जी। इससे जो मौके की समस्या है वो हल नहीं होती। कई फैक्ट्री में 5-5, 10-10 वर्कर इकट्ठे एक दिन निकाल देते हैं, हम कंप्लेन करते हैं उनको भी फैक्ट्री में आप जाइए, लेकिन फैक्ट्री में जाने से मना कर देते हैं, बोलते हमें यहाँ पे बुलाते हैं, आगे वहाँ पे कुछ नहीं होता, तारीख पे तारीख मौके पे कोई मजदूर का पता नहीं होता। फेरबदल किया, ठेका सिस्टम कर रखा है फैक्ट्री के मालकों ने, फैक्ट्री मालकों ठेके पे फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ना किसी का पीएफ कटता है, ना किसी की एसआई कटती है, वो चंद फैक्ट्रियां जो बड़ी बड़ी लिमिटेड फैक्ट्रियां, चंद फैक्ट्रियों में पीएफ वगैरह लागू है, एसआई लागू है, बाकी अदरवाइज लुधियाने के अंदर कम से कम 60% फैक्ट्रियां ऐसी है जहाँ पे पीएफ और तो मजदूरों का अधिकार का शोषण किया जा रहा है। तो क्या मांग करते हैं मजदूरों को, कोई अपील करना चाहते हैं कि एकजुट होके सरकार से मांग रखें? हम सरकार से बार बार मांग भी कर चुके हैं, और अब भी हमारी ये कोशिश रहती है कि हर मजदूरों को हर फैक्ट्री में इकट्ठा किया जाए, सभी को एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा करके, और जो मांग करते हैं सरकार से भी इनकी क्या कहते हैं पीएफ वगैरह लागू करवाई जाए, ईएसआई लागू करवाई जाए, जो कानून के मुताबिक इस मौजूदा कानून के मुताबिक जो इनका मिनिमम वेज है वो लागू किया।